करते हैं। आप सब हजरात का दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम है। आप सबको मालूम है कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ मेडिकल चेकअप के लिए, और इस वक्त जो पूरी तो आपको यहाँ आने की दावत दी गई है, एक संगीन नौयत का मसला है और ये उस सिलसिले की कड़ी है जो हुकूमत हिंद यहाँ के अपने एजेंटों, खासतौर हुकूमत और पुलिस और काबिज फोर्सेस जो हैं उनको एक ही टारगेट दिया गया है कि तहरीक हुर्रियत और पुरजमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडर भाई गिलानी, इनको बाय हुक और बाय क्रुक क्रश करना। और अब तक आप देख रहे हैं कि गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। बहुत से कारकुन हमारे जनरल सेक्रेटरी से लेकर सदूरी अजला, सदूरी तहसीलात, यहाँ तक कि ब्लॉक सदर तक भी और आम कारकुन भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनको जेलों में सड़ाया जा रहा है, खासतौर जम्मू जेलों में ले जाया जा रहा है ताकि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन पर ज़्यादतियाँ करे, अजियतें पहुँचाए। ये सिलसिला जारी है। अब इस सिलसिले में ये लोग अपनी जगह शायद समझ रहे हैं कि गिरफ्तारियों से या इन पर दबाव डालने से या घरों में नज़रबंद रखने से, जैसे कि मैं आज 140 दिन से नज़रबंद हूँ घर पे, तो इनसे ये आवाज़ दबती नहीं है और ये लोग झुकते नहीं हैं। इनका मकसद ये है कि भाई बातचीत करो, बेमकसद बातचीत जिसका कोई हल नहीं निकलेगा और जिसके बाद बहरहाल भारत कहेगा कि नहीं ये लोग भी अब हमारी ही बोली बोल रहे हैं। तो ये सारा जो ड्रामा रचाया जा रहा है महज इसीलिए है कि हम झुक जाएं भारत की अंधी ताकत और भारत के जबर और जुल्म के आगे। लेकिन मैं आपकी वसादत से अपनी मजलूम कौम को बिलहूँ और अपने जिगर गोशों जवानों को बिलखसूस आपकी वसादत से ये पैगाम पहुँचाऊँगा कि हम खून देंगे, सर देंगे, लेकिन बातिल कुवतों के आगे झुकेंगे नहीं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मेरी तरफ से आप पैगाम पहुँचा दें। अब ताज़ा वाक़ जो है वो हमारे जो लीगल सेल के इंचार्ज हैं गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब, वो एडवोकेट हैं, लाह में उनने PhD भी किया है और बहुत ही मुक्तदर शख्सियत हैं, आम शख्सियत हैं, तहरीक हुर्रियत के रुकन भी हैं और लीगल सेल के इंचार्ज हैं। लीगल सेल के इंचार्ज होने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे लोग गिरफ़्तार किए जाते हैं उनको अदालतों में उनके केसेस लड़ना और उनको बेल करवाना और उनके केसेस को अदालत में पेश करना, यहाँ तक कि जो दिल्ली में जो तिहाड़ जेल में और हिंदुस्तान की दूसरी जेलों में हमारे लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, जिनको उम्र कैद की सज़ाएं दी गई हैं, जिनको मौत की सज़ाएं सुनाई गई हैं। अब आप खुद अंदाज़ा करिए कि जुल्म और जबर की इंतहा क्या है कि एक तरफ तो हमारे जवानों को मौत की सज़ाएँ तक सुनाई जा रही हैं, उनको उम्र कैद की सज़ाएँ भी दी जा रही हैं और दूसरी तरफ जो उनके केसेस की पैरवी करें उनको उनके रास्ते भी रोके जाते हैं और उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है ताकि ये लोग इन मजलूमों की के केसेस की पैरवी ना कर सकें, उनका हौसला तोड़ने के लिए, उनकी हिम्मत पामाल करने के लिए और उनको बेबुनियाद इल्ज़ामात पे तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मोहतरम भट्ट साहब पर 2008 में भी एक फर्जी केस लगाया गया, उसमें वो मुलव्वस किए गए, गिरफ्तार किए गए और अदालत ने बहरहाल उनको रिहा किया। वो फर्जी केस जो है वो अदालत में साबित नहीं हो सका कि जो जो रुपए वगैरह थे
वो बहरहाल न उनके थे और न उनका उसके साथ कोई ताल्लुक था, अदालत ने उनको बहरहाल उस केस से भी बरी कर दिया। अब ये आज की जो सूरत हाल है, 22 जनवरी सनीचर को उनको बेमना में गिरफ्तार किया जा रहा है। बेमना में गिरफ्तार करने के बाद उन पर तशद्दुद बरता जाता है, मारपीट करके 10 बजे सुबह, ये 10:45 सुबह बेमना में गिरफ्तार करके उनको मारपीट की जाती है। और किस तरह मारपीट की जाती है, इंस्पेक्टर अरशद खान जो SOG है उसने बंदूक के बटों से उनको सर पर उनको पीटा है, बंदूक बटों से। अब आप खुद अंदाज़ा करिए कि सर पर कितना नाजुक होता है और जब इसको बंदूक बटों से पीटा जाए और उस पर ज़रबें लगाई जाएं, उस बीमार का क्या हाल होगा। और फिर जब उनको कारगो ले जाया गया इसी हाल में, और फिर वहाँ भी उनको जदकोब किया गया, नतीजा ये हुआ कि उस उनकी हालत बिल्कुल गैर हो गई। और जब उनको मालूम हो गया कि ये अब डेड बॉडी जैसी लग रही है, तो उनको उन्होंने उनको सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाया। 22 जनवरी शाम रात गए तक पुलिस अस्पताल ले जाया गए, फिर फौरन ही सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट शिफ्ट करने का, वहाँ ले जाने का उसका पस मंज़र यही है कि इनको यकीन हो गया कि ये सर्वाइव नहीं करेंगे, ये मरेंगे, इसलिए अब वो सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाया गया। अब इस मौके पे जबकि उनको मालूम हो गया कि ये सर्वाइव नहीं करेंगे, तो एक स्टोरी बनाई जा रही है। और वो स्टोरी ये है कि ये उधमपुर में किस डेट पे, वो 24 जनवरी को एक्सीडेंट दिखाया जाता है, कश्मीर टाइम्स में खबर आई है कि 24 जनवरी को एक्सीडेंट दिखाया जाता है कि भाई इन लोगों को उधमपुर ले जाया जा रहा है, उधमपुर के मौके पे इनको एक्सीडेंट हुआ है, जिस एक्सीडेंट में एक लड़का मरा है किसी कांग्रेस लीडर का, उसमें इन तीनों को दिखाया जा रहा है, गुलाम अहमद बट साहब हैं, फारूक अहमद दगा साहब हैं और कोई गुलाम जीलानी लल्लू साहब हैं, तो उनको दिखाया जाता है कि भाई वहीं ये वो ज़ख्मी हो गया है। मकसद ये था कि इनकी डेथ हो जाएगी सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो बेमना में जो हमने इनको मारा शहीद किया उसको अवॉइड करने के लिए, उसमें कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए उधमपुर का केस गढ़ा जा रहा है कि भाई उधमपुर में इनको एक्सीडेंट हुआ है। और जिस रोज़ ये खबर दी जा रही है 24 को अखबार कश्मीर टाइम्स में, ये 25 जनवरी को आ गई है ये खबर, उस वक्त ये सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिट थे। आप खुद अंदर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। और फिर 24 और 25 जनवरी 2010 तक ये सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में थे। 25 जनवरी 3:30 बजे CJM अदालत में इनको पेश किया गया है। और सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में कैसे इनको निकाला गया, जबरन इनको उठाया गया, घसीट कर ले जाया गया, और वहाँ उनकी लड़की थी और एक और उनकी मिसिज भी थी, उन सब को पीटा गया, उसकी लड़की भी ज़ख्मी हो गई है, और दूसरा एक खादिम उनका वहाँ था उसको भी, उसका भी बाजू तोड़ दिया गया है, और वहाँ जो पेशेंट वगैरह थे उन्होंने भी एहतजाज किया, लेकिन फिर भी इस बेरहम पुलिस ने, इस जाबिर और कातिल पुलिस ने उनको घसीट कर लिया और फिर अदालत में पहुंचा दिया, और फिर अदालत से वहां रिमांड हासिल कर लिया गया कि भाई इनका केस दिल्ली में चल रहा है, हम इनको दिल्ली ले जाएंगे, तो CJM ने उनको अलाउ कर लिया, हाँ इनको ले जाया जाए। 25 जनवरी के अखबार टाइम कट में निकल, हाँ, तो ये सारा सिलसिला जो है ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, और साजिश ये है कि इनको कत्ल किया जाए, और कत्ल ऐसे अंदाज में किया जाए कि पुलिस जो इसकी कातिल है उन पर ये केस ना चले, उन पर ये इल्ज़ाम ना आ जाए, इसीलिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि गिरफ्तार तो बेमना में किया जा रहा है और मारपीट उनको बेमना में की जा रही है, और फिर खुद पुलिस इनको सूरा अस्पताल ले जा रही है, और फिर केस क्या गढ़ा जा रहा है कि भाई उधमपुर में एक्सीडेंट हुआ ताकि इनका कत्ल जो है वो पुलिस के जिम्मे ना आ जाए। आप खुद इस साजिश को समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह। और अब सूरत हाल ये है कि ये जो कत्ल का सोचा समझा मंसूबा है, हमारी मजलूम कौम को और हमारे ख़ास तौर नौजवानों को ये सोचना है
कि जालिम को ऐसी चालें चलने, ऐसी हरकतें करने और कत्ल के इन मंसूबों और खाकों में रंग भरने के लिए अगर मजलूम कौम खामोश रहे तो उससे जालिम की जुरत बढ़ जाती है, जालिम उससे ज़्यादा जेरी हो जाता है कत्ल गारदगरी के लिए। इसलिए हमारी कौम पर फ़र्ज आयद होता है कि इसके खिलाफ मुनज़्ज़म और मुअस्सिर एहतजाज हो और हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त हमें कुछ भी मालूम नहीं है मोहतरम बर साहब की सेहत के बारे में कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं और किन किस सूरत हाल से उनकी सेहत का क्या हाल है, इस बारे में हमें कोई इतला नहीं है और ना ये पुलिस वाले बताते हैं कि उनको कहाँ ले जाया गया है और कहाँ है इस वक्त और सेहत का क्या हाल है। तो इस सिलसिले में हम कल 28 जनवरी को नमाज जुमा के बाद तमाम वेली में, ना सिर्फ वेली में बल्कि हम अपील करेंगे अपने जम्मू सूबे के जो हमारे लोग हैं, पुंछ है, राजौरी है, किश्तवाड़ है, डोडा है, भद्रवाह है, बानिहाल है, वहाँ भी ये इतला वहाँ भी जाए और वहाँ भी कल नमाज जुमा के बाद मुनज़्ज़म और पुरअमन एहतजाज हों इस जुल्म के खिलाफ, इस ज़्यादती के खिलाफ और कत्ल की इन घनावनी साजिशों के खिलाफ जो ये की जा रही हैं तहरीक हुर्रियत को दबाने के लिए और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो हमारी सरबराही में काम कर रही है उनकी इकाइयों को जेर करने के लिए ये जो साजिशें रचाई जा रही हैं तो इसके खिलाफ कल मुनज़्ज़म एहतजाज हो और इस सिलसिले में हम मीडिया से भी नहायत दर्दमंदाना अपील करेंगे कि आप मज़लूम पर जो कुछ हो रहा है मज़लूम की आवाज़ बनिए। बस मेरी यही दर्दमंदाना अपील है मीडिया से, चाहे चैनल्स हों चाहे प्रिंट मीडिया हो, मेरी सिर्फ यही दर्दमंदाना अपील है कि आप मज़लूम के की आवाज़ बनिए, जालिम का जालिम की आवाज़ ना बनिए, मज़लूम की आवाज़ बनिए और मज़लूम पर जो कुछ गुजर रहा है, मज़लूम के साथ जो कुछ बरता जा रहा है उसको हाईलाइट करिए, उसको आम लोगों तक पहुंचाइए और फिर हम दर्दमंदाना अपील करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल से हम अपील करेंगे, रेड क्रॉस सोसाइटी से हम अपील करेंगे, आलमी बरादरी से हम अपील करेंगे, यूएन की जो एजेंसियां हैं वहां जो वार क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बनते हैं उनसे हम दर्दमंदाना अपील करेंगे कि यहाँ की सूरत हाल का वो जायज़ा ले लें और उस सिलसिले में जो उनकी इंसानी रिश्तों के लिहाज से और वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ जुदजहद कर रहे हैं या उनका उनके जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें कि यहाँ कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। और इस सारे केस में हम अदालत की तरफ भी रुजू कर रहे हैं, अदालत में भी इस सिलसिले में सारी जो हम पर जिम्मेदारियाँ हैं वो हम निभाने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारा ये मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा कि अरशद खान, इंस्पेक्टर अरशद खान को कत्ल केस में उनके खिलाफ कत्ल केस किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए फौरी तौर। वो कातिल हैं, उन्होंने कत्ल का इकदाम किया है और उनको किसी भी हाल में जो पुलिस या जो हुकूमत उनको शेल्टर देगी वो बराबर इस कत्ल की साजिश में बराबर के शरीक हैं। या ऐसे पुलिस ऑफिसरों को इस तरह उनको कत्ल करने का की खुली छूट दे देना, आखिर कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है गिरफ्तार करिए उसको ले जाइए अदालत में ले जाइए या फथान, लेकिन मारने का कत्ल करने का मंसूबा कत्ल करने की कार्रवाइयां करना ये तो किसी के लिए जायज़ नहीं बनता है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि इंस्पेक्टर अरशद खान को जो SOG हैं उनके खिलाफ इकदाम कत्ल का के उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाए कि उन्होंने गुलाम अहमद भट्ट को डिलिबरेटली कत्ल करने की साजिश की है, कोशिश की है और उसके नतीजे में उनको उन पर कानून का इतलाक हो। तो ये मेरी गुजारिश है। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार और मेरी उम्मीद है, मैंने जो आपसे कहा कि मीडिया को कि मैं दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि वो मज़लूम की आवाज़ बने, बस ये मेरी दर्दमंदाना अपील है। और इंशाल्लाह दिल्ली जाकर मैं इंशाल्लाह यहाँ के जो मामलात हैं हमारे लोग यहाँ हैं तहरीक हुर्रियत है या कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, तो मैं दिल्ली में राबते में रहूँगा तो इंशाल्लाह सारे मामलात इंशाल्लाह मेरी निगरानी में ही चलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम।